हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है उसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन ला देते हैं। पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करते हैं कि क्या आता है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो पहले हमें फ्रैक्शन क्या है वो लेट करना पड़ेगा। तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। सपोज हमने लेट कर दिया है कि एक्स अपॉन वाई क्या है, फ्रैक्शन है, जिसके अंदर एक्स क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के अंदर एड कर देते तो न्यूमरेटर क्या है हमारा एक्स है, तो x के अंदर ये 1 ऐड कर दिया। दूसरा क्या है, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सबट्रैक्ट करना है 1 किसके अंदर से, डिनोमिनेटर के अंदर से, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है y है, तो उसके अंदर से 1 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो ये जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो कितना रिड्यूस हो जाता है, 1 कितना रिड्यूस हो जाता है, 1 रिड्यूस हो जाता है। तो ये आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं क्या मिलेगा। तो x प्लस 1 ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बचेगा y माइनस 1, क्योंकि 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा ये, तो एज इट इज आंसर रहेगा। तो x ये माइनस में है यहाँ पे, तो क्या बचेगा, सॉरी प्लस में है यहाँ पे y, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, ये माइनस 1 था ही यहाँ पे, ये प्लस है तो उस साइड पे भी क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो x माइनस y इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस 2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, क्या हो गया, इट बिकम्स 1/2, इट बिकम 1/2, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 आ रहा है, कब आ रहा है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई है, तो यहां पे मैं बोल रहा है कि ये फ्रैक्शन कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है, कब हो रहा है, जब वी इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमें न्यूमरेटर का कुछ बोला नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, 1 किसके अंदर ऐड करना है, डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करना है, x के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर कुछ करना नहीं है। तो जब हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करते हैं तब हमारा फ्रैक्शन कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कितना रहेगा, देयरफॉर 2x, और ये वहां पे चला जाएगा तो y प्लस 1, क्योंकि 1 है 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो एज इट इज आंसर रहेगा। तो 2x ये यहाँ पे माइनस हो गया और इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड करनी है। तो हमें एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते थे, या तो हम x की वैल्यू 0 बनाते थे या तो y की वैल्यू 0 बनाते थे। तो यहाँ पे y को जान से देखो, यहाँ पे y माइनस है, ये भी y माइनस ही है। ओके, तो यहाँ पे y तो इक्वल ही दिया गया है, अब दोनों के साइन इक्वल है तो हमें क्या करनी है, ऑपोजिट बनानी है। तो जब दोनों साइन इक्वल होती है तो हम क्या करते थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करते थे, सबट्रैक्शन कर देते थे। तो यहाँ पे हम सबट्रैक्शन कर देंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 7, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पे 2x है माइनस y इज इक्वल टू 1 है। अब हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए ये साइन कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो गई, ये माइनस है तो प्लस हो गई, और ये भी प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस थी माइनस हुई, ये भी माइनस थी तो प्लस हुई, और ये प्लस है तो माइनस हुई। इस तरह से जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज करनी है, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, जीरो हो गई इसकी वैल्यू। अब ये प्लस एक्स है, ये माइनस 2x है, तो माइनस 2 में से 1 चला गया, मतलब कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। ओके, तो यहां पे कितना रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 2 प्लस माइनस 3, सॉरी माइनस 2 प्लस माइनस 1 कितना रहेगा, माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी। फिर से पूरा इक्वेशन समझा देता हूं कि यहां पे 1 प्लस है,
और ये माइनस टू है, तो माइनस टू में से प्लस वन, माइनस टू में से प्लस वन चला गया तो कितना बचेगा, माइनस वन बचेगा, तो माइनस वन माइनस एक्स बचा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू प्लस वन थ्री, और ऑलवेज जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है, तो यहाँ पे टू बड़ा है इसलिए माइनस की साइन आई। अब ये दोनों माइनस थे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, थ्री मिल गई। अब जो भी एक्स की वैल्यू मिली हुई है हम कोई भी एक इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सपोज में इसको पुट वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन वन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो ये प्लस में है थ्री, इस साइड पे क्या आएगा, माइनस हो जाएगा थ्री, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा। ये माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू प्लस थ्री फाइव, और बड़ा कौन है, थ्री, तो साइन भी उसकी आएगी माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, फाइव। ओके, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू भी मिल गई। तो अब हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन क्या लिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई। ओके, यहाँ पे लिया हुआ है ना, हमने लेट किया हुआ था एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। तो हमारा फ्रैक्शन कितना मिल गया, थ्री अपॉन फाइव। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, तो आपको मेरी जो न्यू लेटेस्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।